तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। अब ये जो आज का गेम प्ले है ना भाई, ये पता नहीं क्यों मेरे को खेलते टाइम तो नॉर्मली लग रहा था, लेकिन जब मैं एडिट करने बैठा यार तो मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये स्मूथ क्वालिटी भी नहीं है। कुछ तो है इसमें जो एनहैंस है, मतलब ग्राफिक्स क्या बताऊं मैं, थोड़े से ज्यादा ब्राइट लग रहे मेरे को। शायद मैं सो के उठाऊ एडिट करने से पहले तो ये लग रहे, या फिर वाकई में कुछ तो चेंज है। तुम लोग मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में अगर कुछ नोटिस करो तो। पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है यार कि कुछ तो चेंज है, थोड़ा सा शायद ब्राइटनेस चेंज है, जो कि मैंने किया नहीं है। पता नहीं क्यों तुम मेरे को फील हो रहे हैं। वेल सर, ये देखो भाई, तीन की तिकड़ी काम करके बैठी हुई है भाई। छी भाई, शर्म करो सालो, क्या था ये। वेल, ये तीनों ही बंदे बहुत ज्यादा लो थे, इसीलिए छुप के बैठे हुए थे, तो मैंने आराम से इनका शिकार कर लिया। मेरे 4 किलो गए थे, और भाई बहुत दिन बाद मेरे को अर्ली एक्शन देखने को मिला है। वरना जब से नया मोड आया है, पार्टी थोड़ी सी फीकी लगती है। अब इनको देखो जनाब, को मॉली डाल रहे मेरे ऊपर, और फिर बीच रास्ते में इनको लगा नहीं सही नहीं है, तो ये भाग रहे थे और मैंने इनको दल लिया। वैसे यार, ये जो इस गन है ना भाई, तुमको ऐसा नहीं लगता है कि बैक एंड में बिना बताए इन्होंने इस गन को नर्फ कर दिया है? बिकॉज मैंने पहले चला के देखा है इस गन को, ये बहुत अच्छी चिपकती थी, बट आजकल भाई पता नहीं क्या हो गया, इसका डैमेज नहीं लगता बंदों को। तुमने स्टार्ट में भी देखा होगा, मैं हिट कर रहा था बट बंदे नॉक ही नहीं हो रहे थे। वहीं बैरल भाई हमेशा जब बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रही है भाई, उसका डैमेज लगता है कि हाँ भाई कुछ चला रहे हैं भारी गन। एस में वो फील ही नहीं आती, और मुझे समझ में नहीं आता जब गेम के अंदर बैरल है तो एस क्या कर रही है भाई। मानो ना मानो, बीजमाई के अंदर एक प्रॉब्लम आ चुकी है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है। भाई ये साला इधर टीपीपी ले रहा था, मेरे को लग रहा था कि बाउंड्री के पीछे। भाई इसने उजी से हग दिया है, पता बहुत गंदा, मेरे को जीवन दान मिला इधर, इतना समझ लो विराट कोहली का कैच छूट गया है। वेल, जो भी हो, जीवन दान मिला है, किस हम पेल के निकालेंगे अभी। लेकिन हम लोग क्या बात कर रहे थे, एस की। भाई तुमको नहीं लगता कि गेम के अंदर बहुत सारे गन्स जो है वो सिमिलर हो चुके हैं? मतलब समझ में नहीं आता कि उनमें डिफरेंस क्या है। अब तुम ग्रोजा बैरल एस ऑलमोस्ट ये सेम गन है, थोड़ा बहुत रेट ऑफ फायर ऊपर नीचे है। मतलब तुम अगर पहले देखो ना, तो AKM एक यूनिक गन हुआ करती थी। AKM और ग्रोजा में जमीन आसमान का फर्क है, स्कारल M4 में बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन अब तुम देखोगे ना, लाइक फमास आ गई है, QBZ आ गई है, तुम्हारी स्कारल आ गई है, M4 है, और कौन सी मैं भूल रहा हूँ यार, कोई ना कोई तो भूल ही रहूंगा, कौन सी है बे, अरे जो पहले वेगेंडी पे मिलती थी यार, क्या नाम है उस गन का, G36C। भाई काफ़ी सारी गन तुमको सेम नहीं लगती, मतलब स्कारल, G36C, QBZ, ये तीनों एक जैसी नहीं लगती हैं? मेरे को तो बहुत लगता है, थोड़ा साउंड वाउंड अलग है, हल्का सा रिकॉयल अलग है, वरना सेम ही है सब गन्स। थोड़ा सा वेराइटी लानी चाहिए भाई, कुछ नया तरह का वेपन इंट्रोड्यूस करना चाहिए यार। पबजी PC की बात करो ना, उधर अलग अलग वेपन है, बता, उधर साला तुमको मोर्टार वगैरह भी देखने को मिलेगा, इधर तो कुछ है ही नहीं है। बजूका भी है, तो वो भी सिर्फ मतलब तुम्हारे उसमें कौन सा मोड बोलते हैं उसे, भाई मैं तो खेलता भी नहीं, पेलोड मोड। पर तुम बजूका डाल सकते हो गेम के अंदर, रैंक में अगर मेरे को बजूका मिलेगी तो मैं यूज़ करूँगा। बजूका इज अ स्लो फायरिंग वेपन, उसके लिए एक सेकेंडरी स्लॉट हर कोई सेक्रीफाइस नहीं करेगा, तो मुझे लगता है बजूका डाली जा सकती है गेम के अंदर, क्लासिक रैंक्ड मैच के अंदर। सोचो एक बजूका से तुम एक चलती हुई गाड़ी को कितनी आसानी से उड़ा लोगे, मतलब हाँ सामने से आ रही तो, लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट जा रही तो बड़ा मुश्किल होगा। तो मेरे हिसाब से एक काफ़ी सॉलिड वेपन हो सकता है बजूका, मोर्टार, बट पता नहीं क्यों कुछ डालते ही नहीं है लोग, वही ले दे के। मतलब अभी हाल फिलहाल में जो वेपन ऐड हुआ है तुम्हारा, वो डबल पिस्टल वाला, भाई यूजलेस है, पता बहुत यूजलेस है। हाँ मेरे से बहुत सारे लोग डिबेट करने आ जाएंगे कि भाई चीज़ रेट ऑफ फायर है ये वो, अरे भाई Level 3 हेलमेट वेस्ट नहीं, अगेन हक देता भाई, वो मुझे पसंद नहीं उतना ज़्यादा, दिखने में कूल लगता है, दिखने में तो 10 में से 10 भाई, 10 में से 10। लेकिन अगर तुम कहोगे कि मैं उससे लाइक सारे ही मैचेस खेलूंगा, मैं एक दो मैचेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब तुम ओके नहीं है ये तो मेरी फेवरेट गन है, इससे मैं AKM को रिप्लेस करूँगा, अजी घंटा AKM छोड़ो, उजी ना रिप्लेस हो गए उससे। तो वही मैं कह रहा हूँ यार कि लाइक अच्छा गन या फिर अच्छे टाइप का वेपन, वेपन्स तो बहुत तरीके के आते हैं भाई, ग्रेनेड लॉन्चर वगैरह भी डाल सकते हैं, बट नहीं कुछ आता ही नहीं है, पेलोड मोड में डाल के सब बर्बाद कर रखा है।
पेलोड मोड में जबकि देखो ना बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम साला फाइटर जेट डाल दो गेम के अंदर, नहीं 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 वो ठीक है पेलोड में भी, बट तुम ग्रेनेड लॉन्चर वगैरह डाल सकते हो भाई। ग्रेनेड्स ऑलरेडी गेम में ऑलमोस्ट कोई भी तुम कॉम्बैट वाली देख लो ना मूवी, ग्रेनेड लॉन्चर होता है उसमें, बट पता नहीं क्यों हमारे गेम में नहीं आ रहा है ऐसे। अरे जब आएगा देखा जाएगा, नहीं आएगा तो भी देखा जाएगा। लेकिन हॉट ड्रॉप खाली करने के बाद मैं कोचिंग के आया था, कोचिंग की कोई नहीं मिला, बट रिकॉल टावर में बंदे थे और ये थे 9 मेंबर वाले। नाम इस वजह से याद है बिकॉज ये बहुत मार रहे थे बंदे, इन्होंने काफ़ी किल्स निकाले थे। तो रोहन भाई को तो मार दिया था, फिर ये आया और भाई इसने मेरे को बहुत डैमेज कर दिया था। तो मैं इतना तो समझ गया था कि 9 mm वालों को हल्के में नहीं लेना, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये कितने हैं। मेरे को फिलहाल तो बस एक ही का फुटस्टेप आ रहा है, लेकिन अगल बगल से दो और निकल आए तो सरप्राइज नहीं हुआ मैं। ओबे नीचे आया भाई, पता ही नहीं लगा। वेल ये भी 9 mm का ही था, पाल नाम था इसका, तो ये भी गया। तो 9 mm वाले खत्म हो गए भाई। रिकॉल रिवाइव सेल्फ रिवाइव इतना सब कुछ चीज़ें हैं भाई, कैसे खत्म हो गए तुम लोग इतनी जल्दी। वेल कोई बात नहीं, मेरे को सांस लेने का मौका नहीं मिला क्योंकि जब मैं इनको लूटा ना तो भाई वेयर हाउस में एक और स्क्वाड आ गई, और वो तो छोड़ो कोचिंग की में भी एक और स्क्वाड आ गई, और सबके सब साले मिल गए मेरे को ही मार रहे हैं। अभी तुमको मैं एक सिनेरियो दिखाऊंगा, तुम खुद देखना। ये देखो सबसे पहले उछल रहा था, ये ओपन में घूम रहा था, मेरे को लगा ये टीम अप या मीटअप है क्या ये, तो मैं फायर नहीं कर रहा था। तुम यहाँ पर खुद ही देखोगे कि फिलहाल तो मेरे को ग्लिच से बहुत ज्यादा क्लियर दिख रहा है, और ये पोचिंग की वाला मेरे को क्यों मार रहा है बे। वेल तुम जरा इसे देखो, मैं खड़ा होऊंगा पीक लूंगा, मेरे को दिख रहा है बट मैं फायर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को लग रहा था ये मीटअप वाले, बट नहीं पीछे से एक बंदे का फायर आ गया। और ये पोचिंग की वाला मुझे क्यों मार रहा है भाई, ये बंदे ओपन में घूम रहे हैं इनको क्यों नहीं मार रहा है। तो शायद वो इनका टीममेट हो सकता है, लेकिन नहीं इनका टीममेट भी नहीं है वो। मुझे कैसे पता, क्योंकि एक बंदा याद है जो उछलते हुए आ रहा था उसको भर दिया था और मेरे आंखों के सामने से किल ले गया भाई। शिट यार। अब मुझे इतना तो पता था कि ये दोनों की दोनों टीम्स मेरे मीटअप या टीम अप के लिए तो नहीं है, ये मिल के मारेंगे और मेरे को ही मारेंगे। ये देखो भाई तुमको पता है वेयरहाउस में एक दूसरी स्क्वाड ने पुश करा हुआ है, उनकी लड़ाई चल रही वेयरहाउस के अंदर, शायद पूजिंग वाले बंदे उधर स्लैम मारे, लेकिन जो बंदा वेयरहाउस में है ना वो उन सबको छोड़ के मेरे को मार रहा है जो कि पूछिंग की वाले को मार रहा है। कुल मिला के मैं वेयरहाउस वालों की हेल्प कर रहा हूँ, बट नहीं वो चूतिए को जो दिख रहा है वो उसे मार रहा है। अबे थोड़ा टैक्टिकली खेला करो भाई। अब देखो जो था वो था, मेरे को फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, मुझे बस स्किल चाहिए थे, तो मैं रिस्क लेने गया। मैंने कहा यार प्रोनो के मार देता पूछिंग वाले को, लेकिन ये साला बहुत अलर्ट है, लगातार फायरिंग कर रहा है भाई मेरे ऊपर। लेकिन इस भागा दौड़ी में हुआ क्या कि भाई वेयरहाउस वालों ने मेरे को डैमेज दिया। अब सबसे बड़ी मेरे से गलती हुई कि मैं स्क्वाड हाउस के अंदर आ गया, और तभी डासिया से एक और स्क्वाड आ गई इधर। ठीक है भाई, सबसे पहले एक मॉली आया जिसने मेरे को ब्लॉक ऑफ करा, फिर एक और मॉली आया, फिर एक ग्रेनेड आया, और भाई खत्म। फिलहाल मेरे को लग रहा था मैं सेल्फ रेड कर लूंगा, और मैं बच भी गया क्योंकि सीढ़ी पे मॉली था तो उसने पुश नहीं करा, लेकिन फिर मॉली में घुस के खा के गए मेरे को साले। बहुत खत्म है भाई। वेल तुमको एक चीज और इंटरेस्टिंग बताऊं, किस्मत से मेरा जो रिकॉल पाथ था या प्लेन पाथ था वो एग्जैक्टली वहीं से जा रहा था जहाँ मैं मर रहा था। तो मेरे को लगा कि भाई इनको तो मैं पी लूँगा, बदला लूँगा मैं। लेकिन पता है ये स्क्वाड जो थी जो मेरे को मार के गई भाई, वो हिट एंड मूव वाले बंदे थे, वो रुकने वालों में से नहीं थे, वो हंट कर रहे थे, वो हंटर्स थे। जैसे अपन गेम प्ले के लिए हंट करते ना, बंदों को ठोका निकल गए रुकते ही नहीं है, वैसे ये भी थे भाई। मेरे को आने में कितनी देर लगी होगी, 1 मिनट 1.5 मिनट। साफ स्मोक तक पड़ा हुआ है, तुमको स्क्वाड्स में स्मोक दिखा होगा, स्मोक तक फेड आउट नहीं हुआ है, उन्होंने बस लूटा और निकल लिए भाई। स्मोक देख के मेरे को लगा था कि यहाँ पर बंदे हैं। ठीक है मैंने तुमको स्पॉइलर दे दिया जो कि नहीं देना चाहिए था, बट मैं ये मान के चल रहा था कि बंदे होंगे यहाँ पर भाई, इतनी जल्दी कौन ही मूव करता है। और ऐसा भी नहीं कि अपन जोन से बाहर बहुत जल्दी हो गए हो, अभी अभी जोन हटा है, तो मतलब कोई सेंस नहीं बनता था कि वो इतनी तेज मूव करेंगे जबकि इतनी सारी पेटी है यहाँ पर लूटने के लिए। लेकिन नहीं, वो स्क्वाड आई, वो चिंकी वालों को पेला, वेयरहाउस वालों को पेला, मुझे पेला और निकल गए। और ये बात जानते हो कब मुझे पता चली, जब मैं यहाँ वेयरहाउस में लूट रहा था मेरे को लगा यार कुछ ज़्यादा शांति नहीं है इधर, उन्होंने मेरे को देख तो लिया होगा उतरते हुए, तो मैं बगी से एक राउंड मारने गया। और जब मैं स्क्वाड हाउस के पास आया भाई, शांति एकदम शांति, कोई नहीं था यहाँ पर। अरे बंदा तो छोड़ो, उन्होंने लूटा भी नहीं है ढंग से भाई, मेरी पेटी में पूरा माल पड़ रखा है, MG3 गिरी हुई है। तो मैं समझ गया था भाई ये हिट एंड रन वाले निकल गए हैं ये।
तो भाई मैं ढूंढने निकला इनको, क्योंकि ऐसे जो बंदे होते हैं ना इनको ढूंढना मुश्किल नहीं होता है, जो आपको इधर उधर गेड़ियाँ खाते हुए मिल जाते हैं। और तुमको पता है इन हंटर्स को मैं हंट करने निकला था, लेकिन असल में वो मुझे हंट करने के लिए वापस आ गए। तुम बस ये देखो, मैं ढूंढ रहा था इन बंदों को, लेकिन मैं गलत था, इन्होंने मुझे ढूंढ लिया। ये वही बंदा है जो मेरे को खा के गया था फिनिश करके, और बेचारा पूरा कंफ्यूज हो गया मेरी बगी से। उसको लगा था मैं तोप के पीछे हूँ, जबकि मैं इधर पत्थर के पीछे था, तो आराम से मैंने उसको नॉक कर दिया। बट अकेला तो था नहीं, तो डेफिनेटली इसे कवर मिलेगा। अब मैंने अपना किल तो पूरा कंफर्म कर लिया भाई, तो अभी पीछे से भाई देख रहे हो कितना फैले हैं ये बंदे, भाई एक दूसरे को फुल कवर बाजी चल रही है। और जो बंदा मेरे को नॉक करा है ना भाई, वो खुले में प्रोन है, जानते हो क्यों? तोप पे एक बंदा था, वो उसे कवर दे रहा था ताकि तोप वाला बंदा पीछे हट सके। ओ मेरे भाई, इतना दिमाग नहीं लगाते यार, रैंक्ड मैच है, T1 नहीं चल रहा। वेल जो भी है, देखो ठीक है, तुमने एक बार मेरे को फिनिश करा, एक बार मेरे को नॉक करा, लेकिन इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस तो मैं भर दूंगा। भर दिया एक को, एक को क्या, दो को भरा मैंने। इसलिए बोलते हैं देखो एग्रेशन दिखाओ लेकिन कुछ ज़्यादा ही नहीं, ठीक है। वेल मैंने दो तो खा लिए थे स्क्वाड के, लेकिन दो अभी भी बच रहे थे। और वो देखो भाई मेरे ऊपर लगातार फायरिंग आ रही है, एक बंदा सप्रेसर के साथ कोई गन चला, पर एक बंदा कोई दूर से गन चलाएगा अभी मेरे ऊपर। अब देखो मुझे पता था मैं जोन में रह नहीं सकता हूँ, जोन बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो मैंने स्मोक करा, और जैसे ही स्मोक करा वो समझ के मैं निकलने का प्लान कर रहा हूँ। चालू हो गए भाई, गाड़ी फोड़ डाली मेरी। अब आमतौर पे देखो मैं लड़ जाता इनसे, अगर ये जोन थोड़ा सा और बड़ा होता ना मैं इनसे लड़ जाता, लेकिन मेरे को लग रहा था यार देखो अननेसेसरी जोन का डैमेज लूंगा मैं, फाइट जीत भी गया तो जोन में नहीं घुस पाऊंगा। तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, ये जोन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा छुपने छपाने की जगह है नहीं, तो मेरे को किसी घर पे तो कब्जा करना पड़ेगा। तो मैंने वो फाइट इग्नोर करी और वुल्फ का इस्तेमाल करके उस फाइट से निकल गया। कभी कभी यार फाइट छोड़नी पड़ती है, एक दो किल छोड़ने पड़ते हैं ताकि आपको चिकन मिल सके या फिर ज़्यादा किल मिल सके, वो बोलते हैं ना ग्रेटर गुड के लिए सेक्रीफाइस करना। तो वो फाइट मैंने वही करी, उधर छोड़ दी वो फाइट, और उसके बाद मैं कंपाउंड्स पे आया। सबसे पहले ये स्क्वाड चेक करा था, यहाँ पर कोई नहीं था, तो फिर मैं थोड़ा और आगे गया, और भाई वो जो पोर्ट है ना पोर्ट, वहाँ पर फाइट हो रही थी। अब ये बंदे जोन के बाहर लड़ रहे थे, तो मैं जानता था ये जोन में आएंगे, तो ऐसे में ये कंपाउंड अच्छा था, तो मैं होल्ड करने के लिए इधर आया, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी बंदे थे, और भाई इनको मेरा फुटस्टेप आ गया। ओ भाई ये बंदे भी जानते हो एग्रेसिव थे, मुझे कैसे पता चला, सबसे पहले इन्होंने मेरे पर फायरिंग करी, उसके बाद एक फ्लेयर ड्रॉप आया। इस जोन में इन्होंने फ्लेयर ड्रॉप मंगाया तो मतलब बूदा तो है, और फिर उसके बाद इन्होंने मेरे पर पुश करने का डिसाइड करा। रियली ब्रो, रियली तुम्हारे पास घर है, बाना उसे, तुमको मेरे पर पुश क्यों करना है, मैं अकेला हूँ। वेल इनको मेरी पोजीशन तो पता थी कि मॉली परफेक्ट आया था, बट मैं बाउंड्री के पीछे था, मैंने ग्रेनेड से नॉक करा, MP3 से दूसरा भरा, फिनिश करा। अब चार में से तो दो गए, रिवाइव मैं होने दूंगा नहीं, ठीक है। अब बात ये थी कि बाकी बंदे कहाँ है। सबसे पहले मैंने एक मॉडल डाला जो कि मिस हो गया, लेकिन छत पे मेरे को एक बंदा दिखाई दिया, वो छत नहीं है वो फर्स्ट फ्लोर है, तो मैंने ग्रेनेड कुक करा। सब खत्म, स्क्वाड वाइप भाई, और जो इन्होंने हगा है ना, छी भाई बहुत ही गंदा। वेल मेरे लिए अच्छा था कि मैंने पूरी स्क्वाड वाइप कर दी, लेकिन वो बंदे याद है ना तुमको जो पहाड़ी पे थे पोटैटो हिल पे, जिनके दो बंदे मैंने मार दिए थे, दो बच रहे थे, उनका मुझे कोई आइडिया नहीं था क्योंकि मैं उनसे काफ़ी देर से कट ऑफ था। लेकिन मुझे इतना पता था कि फ्लेयर मंगाई गई है, और फ्लेयर में क्या होता है, AWWM। वैसे मेरे को AWWM मतलब परमानेंटली नहीं चाहिए थी क्योंकि मैं MG3 यूज़ कर रहा था, तो मैं बस वो AWM उठा के वो जो पोर्ट की तरफ बंदे लड़ रहे थे ना उनको पेलना चाहता था, फिर उसके बाद मैं वापस से M4 पे स्विच कर लेता। प्लान मेरा बहुत ही सिंपल था, तो मैं गया फ्लेयर ड्रॉप की तरफ। बट जानते हो क्या, यहाँ पर एक बंदा है जो कैंप कर रहे हैं, अभी मुझे नहीं पता, मुझे तो ये पोर्ट वालों ने फायर करा था, तो मैं छत पे आ गया क्योंकि मुझे इन्हें मारना था पोर्ट वालों को, क्योंकि ये जोन में तो आएंगे ही ना, जोन से बाहर वो भी हैं मैं भी हूँ। लेकिन तभी गेम में आया एक ट्विस्ट, मेरे पास फुटस्टेप आए, एक बंदा शैक के अंदर कैंप कर रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, अब मैंने रिस्क लिया क्योंकि ये फाइट ले रहा था पोर्ट वाले बंदों से, तो मैंने एक नेड कुक करा, और भाई बहुत ही एक्सट्रीम गया मैं, नेड डाला भाई, इतना रिस्क लेने के बाद साला नेड पलट के बाहर आ गया। वेल वो नेड से तो बच गया था, मैं पुश करने जा रहा था, बट भाई वो खुले वाले बंदे फायर कर रहे थे, तो मैं एक मॉली डाला,
फिर जोन आ गया, मेरे को जोन से पंगा नहीं लेना था, मैं घुस के फिनिश करना चाहता था उस बंदे को, लेकिन मैंने डिसाइड करा नहीं यार मेरे को जोन से नहीं बनना, क्योंकि पिछले 2-3 गेम्स में मैं जोन से बहुत ज़्यादा बीटी में आया हूँ। तो मैंने वुल्फ का इस्तेमाल करा और जोन में जाने लग गया। लेकिन यहाँ पर मेरे को समझ में आया एक व्हीकल और एक वुल्फ में डिफरेंस क्या होता है। व्हीकल का खुद का भी हेल्थ होता है, लेकिन यहाँ पर जितना हेल्थ है वुल्फ का वही मेरा ओरिजिनल हेल्थ है। तो जब वुल्फ पिटा तो मैं भी पिट गया 1 HP, तभी पीछे बंदा आ गया, लेकिन भाई सामने वाला खा गया भाई। इतना अच्छा गेम जा रहा था, हराम साधो, खुशी देखी नहीं जाती यार मेरी।